लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे आयशु, या मेरा टॉवल बेडरूम के कबर्ड में है, लाकर दो ना प्लीज। या शो, जल्दी रेडी हो जाओ, शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। जय भी आ रहा है। आयशु, जय आया क्या? जय की जीन्स, शर्ट और फोटो तुम्हारी कबर्ड में कैसे? क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई क्या? अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है तो निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम समझोगी नहीं। ओ अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं समझूंगी? देखो, जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ। ऐश्वर्या है क्या? हाय ऐश्वर्या, चलें क्या? हाय जय। ये सब यहाँ कैसे? तुम्हें नहीं पता? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी फोटो, ये सब कैथी के कबर्ड में कैसे आई, बताओ। ये क्या कह रही हो तुम? समझी नहीं? तुम ही क्यों नहीं समझा देती? क्या बात है। ये कह रही है कि मैं इसकी बात नहीं समझूंगी और तुम मुझे समझाने के लिए कह रहे हो, आखिर बात क्या है? ऐश्वर्या, प्लीज लिसन टू मी। शट अप, जस्ट शट अप। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहा है। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें हमारे परिवार का एक हिस्सा भी माना है। तुम्हें तकलीफ होती थी तो मुझे दुख होता था। तुम्हारी नौकरी की सिफारिश मैंने जैसे की। ऐश्वर्या, मर गई, तुम अपनी सफाई देना चाहते हो? तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है कैथरीन, थैंक यू। ऐश्वर्या, बहुत हो गया, मुझे हाथ मत लगाना, समझे? अगर तुम दोनों ने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी, आई स्वेयर। पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है? ऐश्वर्या तुम्हारे चंगुल से बच गई, मैंने उसे बचाया। हेलो, तुमने न्यूज़ देखी? हाईवे के पास बंसी की कार का एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी को देखकर लगता है कि एक्सीडेंट ही है। कैथी, हेलो कैथी, सुन रही हूँ। तुमने पता लगाया रात को जय कहाँ था? हेलो कैथरीन, हेलो, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं बाद में फोन करती हूँ। का कहना है कि रात के लगभग 3 से 4 बजे के बीच ये एक्सीडेंट हुआ था। ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी और सड़क से खाड़ी में गिर गई होगी। एक्सीडेंट में बंसी नाम के आदमी की मौत हो गई है। तुमने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है जय। पैसों के लिए तुमने ऐश्वर्या से प्यार का नाटक किया, उसके कंपनी से करोड़ों पैसे लूटे, तुम जय गौरी फाइनेंस के किसी स्कैम में शामिल। क्या हुआ, मुझे भी मारना चाहते हो? त
तुमने जो स्कैम किया है अभी तक ऐश्वर्या को पता नहीं है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी फ्रेंड नित्या के पास भी हैं। तुम अब बुरी तरह फंस चुके हो। डेविड और बंसी को तुमने क्यों मारा ये बाद में बताना, मैं जानना चाहती हूं कि गौतम को तुमने ही मारा है या नहीं। हाँ मारा। क्यों मारा? मुझे उसे मारना पड़ा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर गौतम नहीं मरता तो जय का पूरा परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाता? मेरा परिवार नहीं, जय का परिवार। झूठ मत बोलो। मेरे साथ जो हुआ वो किसी को नहीं पता और कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तुम्हारे लंदन जाने के 10 दिन बाद मैंने अपने एडवेंचर कैंप के स्पॉन्सरशिप के लिए जय गौरी कंपनी की वेबसाइट खोली थी। उस वेबसाइट में जय गौरी चेयरमैन का फोटो देखकर मैं हैरान रह गया। उसका नाम जय था और वो बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरी छोटी छोटी दाढ़ी होती तो मैं बिल्कुल वैसा ही दिखता। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तभी मेरे दिमाग में एक बात सूझी। देखना चाहता था कि अपना लुक बदल कर मैं जय जैसा दिख सकता हूँ या नहीं। मैंने जब आईने में देखा तो सच में जय जैसा दिख रहा था। इस रिजल्ट से मैं खुश हो गया। मुझे कोई भी जय समझेगा। इस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे पता चला कि जय की कंपनी की ट्रांजैक्शंस देखने वाले उसके ताऊजी मोहन उससे एक होटल में मिला करते थे। उस दिन मोहन जी अकेले ही आए। मैं जय बनकर स्पॉन्सरशिप के लिए उनके कमरे में गया, ऐसे ही उन्हें सरप्राइज करने के लिए। हाय, मैंने वो जय गौरी वेबसाइट में मैंने जय गौरी फाइनेंस के पब्लिक इंटरेस्ट के 500 करोड़ रुपए निकालकर जुआ खेलने और गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल कर लिया बेटा, और वो सारा का सारा पैसा डूब गया। मैंने बंसी के कहने पर ऐसा किया और अब कंपनी के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है बेटा। अब हम सड़क पर आ जाएंगे, तेरी शादी रुक जाएगी। मैंने रामप्रकाश जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वादा किया कि वो जयगौरी अकाउंट में 500 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे। मैंने तुम्हारे पिताजी का भरोसा तोड़ा है, अगर उन्हें ये बात मालूम पड़ गई तो वो अपनी जान दे देंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ। सर, सर, मुझे बहुत बड़ा शौक लगा और समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गया। जब मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि जय अपने ताऊजी से मिलने जा रहा था। लेकिन जब मैं उसे ये सारी बातें बताने के लिए आगे बढ़ा तभी जी चलो इसे अंदर। चलो। मैं समझ गया कि डेविड जय को मैं समझकर उठा के ले गया है। मैंने उसे बचाने के लिए उनका पीछा भी किया। Dad!
एक जैसे। लेकिन मेरा नाम गौतम है। कैथरीन कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है सर, मेरी और डेविड की दुश्मनी है। डेविड ने आपको मैं समझकर मुझे गौतम समझकर चलिए सर खून। नो, कोई फायदा नहीं, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, मुझे छोड़ दो। मैं आपके ताऊजी से मिला था रेडिसन में अभी, उन्होंने मुझे आप समझकर सारे स्कैम के बारे में बता दिया सर। जय सर, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए ना। डोंट बी स्टूपिड, नाम क्या बताया? गौतम सर। मेरे पास टाइम बहुत कम है। तुमने जो स्कैम बताया उसका सलूशन मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मगर तुम एकदम मेरे जैसे, तुम्हें मेरे परिवार को बचा सकते हो। नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है सर? आप चलिए ना मेरे साथ हॉस्पिटल, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं नहीं बचूंगा, प्रॉमिस करो। हाँ, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, बट यू आर माय ओनली होप। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मगर मेरी जगह लेकर मेरी फैमिली को बचा लो गौतम। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ जो भी हुआ किसी को नहीं बताना, और खासकर उस लड़की को जिससे मेरी शादी होने वाली है, ऐश्वर्या। अगर उसे पता लगा तो वो भी जान दे देगी, वो मर जाएगी। उसे कभी मत बताना, कभी मत बताना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होना, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है सर? नाम बताओ। गौतम सर। जय, आज से तुम्हारा नाम जय। नहीं, सर 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 सर। हेलो भैया, आप कहाँ हैं? कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। हेलो 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 भैया, पापा आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ हैं आप? मैं बस रास्ते में हूँ। ठीक है। जय की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पर उसका एक ही रास्ता था, गौतम की मौत। मैंने जय के कपड़े पहन लिए और जय को मेरे कपड़े पहना दिए, मेरे वॉलेट लाइसेंस और चेन को जय की लाश में रख दिया, फिर जय की लाश के साथ मेरी गाड़ी को तालाब में धकेल दिया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो, और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जय के माँ बाप पर क्या बीतेगी, जय की हत्या क्यों हुई, इस बात का पता तुम्हें ही लगाना है। माँ, और कैथरीन का? वो मुझ पर छोड़ दो, ऐसे हालात में हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, समझे? आईसीयू में मुझे पता चला कि जय के पिताजी कौन थे, उनके परिवार की हालत देखकर मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है, और उसके बाद मैंने जय की जगह ले ली। जब भी वक्त मिलता था जय के फोन में वीडियोस देखकर जय की आदतें और उसके मैनरिज्म्स को समझने लगा। राम प्रकाश सर ने 500 करोड़ जय गौरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और जय की कंपनी और परिवार को बचा लिया। फिर मैं जय गौरी कंपनी का चेयरमैन बन गया,
और किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। और इसी बीच जय की बहन गौरी की शादी हो गई। मेरे जय गौरी ज्वाइन करने के 10 दिन बाद माँ ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तालाब से मिली जय की लाश को माँ ने गौतम करके आइडेंटिफाई कर लिया। ऐश्वर्या के मामले में मैं बहुत सावधान था। उसके लिए जय उसकी जिंदगी था। मुझे हमेशा फिक्र होती थी कि उसे पता न चल जाए कि मैं जय नहीं हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। मैं कब सबको सच सच बताऊंगा, यह हमेशा मेरे दिल में चलता रहता था। मगर तभी प्रॉब्लम शुरू हो गई। परफेक्ट एक्टिंग करते हो, बस कैसे मैनेज करते हो यही ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या मतलब? कब तक बचे रहोगे गौतम? मैं समझ गया था कि जय के मर्डर के बारे में बंसी को पता चल चुका है, लेकिन उससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब मुझे पता लगा कि डेविड और बंसी दोस्त हैं। जय और ऐश्वर्या की शादी के बाद राम प्रकाश जी चाहते थे कि जय उनकी भी कंपनी संभाले, इसीलिए जय को ऐश्वर्या एस्टेट्स के सारे अकाउंट्स राम प्रकाश जी ने सौंप दिए। मगर बंसी ऐश्वर्या एस्टेट्स की लगाम अपने हाथों में लेना चाहता था और इसीलिए। लेकिन ये तो डिटेल मत पूछो, मुझे बस इसकी लाश चाहिए। डेविड को यह नहीं पता था कि यह तस्वीर गौतम की नहीं थी, और डेविड और मेरे बीच की दुश्मनी बंसी नहीं जानता था। डेविड को लगा कि बंसी और गौतम की दुश्मनी है। जो भी हो, डेविड गौतम की मौत चाहता था और वो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता था। बंसी जय की मौत का सबूत चाहता था, इसीलिए उसने छुपकर जय की मौत का वीडियो बना लिया। और उधर मुझे देखकर उसे भी शौक लगा। बंसी समझ गया कि मैं जय की जगह लेने वाला हूँ। उसने वीडियो को ऐसे एडिट किया जिससे लगे कि मैंने ही जय को मारा है। अगर ये वीडियो राम प्रकाश और ऐश्वर्या ने देखा तो वो दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और कैथरीन ने देखा तो मुझे छोड़ देगी। अगर कैथरीन को बताने की कोशिश की तो उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। अब तो समझ गए ना, होशियारी करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो डील ऐसी है, तुम ऐश्वर्या से शादी करोगे, ऐश्वर्या एस्टेट्स में मुझे पार्टनर बनाओगे और मुझे मुंह मांगी कीमत देते रहना। That's all. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. और इस तरह मैं फंस गया। मुझे डर था कि अगर तुम्हें बताया तो बंसी को भी पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, ऐश्वर्या के परिवार वालों को भी नहीं बताया। जब भी बंसी मुझसे पैसे मांगता था मैं मैनेज करके किसी भी तरह उसे लाखों में देता था। एयरपोर्ट में तुम्हें ऐश्वर्या के साथ देखकर मुझे शौक लगा। मेरा सिर्फ एक ही गवाह था, डेविड। जय का मर्डर करने के 2 दिन बाद वो ड्रग ओवरडोज से कोमा में चला गया। उसे ढूंढकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से उसे बाहर निकाला, मगर बंसी को इस बात का पता चल गया। तुमने मुझे डेविड को हॉस्पिटल से ले जाते हुए देखा। जब तुमने जय गौरी कंपनी ज्वाइन की तब मैं समझ गया कि तुम्हें जय पर शक है। बंसी भी ये बात समझ गया था, वो तुम्हारा पीछा करने लगा बिना कोई सबूत छोड़े। तुम्हें मारने के लिए मौके तलाश रहा था। एक बार उसने तुम्हें अस्पताल भी पहुंचाया। डेविड के गैंग के किसी आदमी ने बंसी को बताया कि डेविड श्रीनिधि नाम के एक ऑर्फनेज में छुपा हुआ है। बंसी ने ऑर्फनेज पहुंचकर डेविड को मार डाला। जब तक मैं ऑर्फनेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मैं अपने इकलौते गवाह को नहीं बचा पाया। बंसी ने पुलिस को पैसे खिलाकर डेविड की मौत को पुरानी दुश्मनी साबित कर दिया, और तुम ये समझ रही थी कि डेविड को मैंने मारा है। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं, और यहां शादी नजदीक आ रही थी। जस्ट इमेजिन माई सिचुएशन। ऊपर से तुम्हारे और बंसी के बीच बढ़ती नजदीकियों ने जीना मुश्किल कर रखा था। मैंने फैसला कर लिया कि बंसी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैंने उसे मार डाला, और मैंने उस वीडियो को भी चला दिया। मगर जय पर गुस्सा होने की वजह से तुमने जय की शर्ट, सामान और फोटोग्राफ अपने कबर्ड में रखकर ऐश्वर्या के मन में शक पैदा कर दिया। लेकिन हम ऐश्वर्या से क्या कहेंगे? I don't know.